नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि घर पर ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जैसी पूजा क्या आप कैसे कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है। यह वही दिन है जब सालों की लड़ाई के बाद बन रहे नव निर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही आसान विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पौष माह यानी जनवरी की 22 तारीख दिन सोमवार द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इन्हीं के बीच 12:29:08 से 12:30:32 तक प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान राम का स्मरण करें, फिर नहा धोकर साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर में बने मंदिर को साफ करके वहाँ गंगा जल छिड़कें, फिर वहाँ एक चौकी रखें और उस पर राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रखें कि तस्वीर के मुख को पूर्व दिशा की ओर रखें। इसके बाद भगवान राम का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। श्री राम के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रामचरितमानस, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। अंत में राम दरबार की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर रामायण या रामचरितमानस का पाठ आयोजन कर सकते हैं। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूलमाला हर दिन रात में ईश्वर शयन कराने के साथ हटा देने चाहिए और प्रतिदिन नए फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाएं। पूजा के बाद फूल मुरझा जाएं तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूलों से मंदिर को सजाएं। मंदिर में अंधेरा ना हो इस बात का रखें ध्यान, क्योंकि यह अशुभ होता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।